तो राम राम भाई साहब है ने के ढंग से, उम्मीद से सारे बढ़िया हो गए, काचे काट रहे होंगे। तो भाई जाता था मैं बेरा, अपनी तीसरी सर्विस है यार, तीसरी फ्री सर्विस जो अपने रॉयल इनफील्ड है ना, चार सर्विस फ्री दे है, तो ये अपनी तीसरी सर्विस है जो हम कराने जा रहे हैं। और तीसरी सर्विस होनी कह रहे थी, तीसरी सर्विस होनी थी अपनी या तो एक साल पूरे हो जाए, मतलब अपन ने अपनी यह बाइक ली थी फरवरी 21, 2023 में, ठीक है। तो जो तीसरी सर्विस हो है वह नू है कि या तो एक साल पूरा हो जाए या फिर तुमने 10,000 किलोमीटर चला ली हो। तो अपने करीब करीब दोनों ही हो गए थे, तो एक साल भी पूरा हो गया था, फरवरी आए गए थे बेरा है, और करीब करीब 9,200-9,300 किलोमीटर चाल भी ली, तो वो ये दोनों चीज़ होगी थी। तो फिलहाल चल रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर, उस जाके बाइक देंगे और देखेंगे के हिसाब है, के कितना के खर्चा लगेगा तीसरी सर्विस में अपनी में, ठीक है। और चलो इतने चाल है, इतने हमने थोड़ा बहुत बाइक का है ना ओवरव्यू दे दूँ, इब तक का एक साल का के एक्सपीरियंस रहा है उतना। तो मैंने सारी चीज़ अपनी बाइक की जिस दिन ली थी ना, उस दिन तक ले कर आज तक की डेट की सारी जर्नी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी है, तो वह तो सहस है। बाकी फिर भी तुमने ओवरव्यू दे दूँ तो अपनी यह बाइक की तीसरी सर्विस है, ठीक। अरे जाम लग रहा है, निकल ले, चल चल, जाम तो की है गोल चक्कर का है। तो भाई अपनी बाइक की या है तीसरी सर्विस, तीसरी फ्री सर्विस, ठीक है। तो अपना जो रॉयल इनफील्ड है चार सर्विस फ्री दे है, पहली जो थी वह 500 किलोमीटर पर हुई थी, फिर दूसरी हुई थी अपनी 5,000 किलोमीटर पर, और यह जो तीसरी है यह होगी अपनी 10,000 किलोमीटर पर, ठीक है। और जो चौथी फ्री सर्विस है, चार फ्री सर्विस हुई, जो चौथी फ्री सर्विस है वह अपनी आएगी ईब 15,000 किलोमीटर पर। तो था तनु बता दूँ मैं, अक जो अपनी तीसरी यह सर्विस है ना, या होनी थी या तो बाइक ने एक साल हो जाए या फिर 10,000 किलोमीटर चल जाए, तो अपना टोटल कुल दोनों चीज़ होगी थी। तो थमने बेरा होगा फरवरी 21, 2023 ने अपन बाइक ली थी या क्लासिक 350 रिबोन स्टील्स ब्लैक, और फिलहाल फरवरी 2024 चल रहा है, तो एक साल भी हो गया, और एक साल में करीब करीब 9,200-2,500 किलोमीटर हमने चला दी है। तो 10,000 में मेरे ख्याल से 700-800 किलोमीटर बचे थे, तो दोनों चीज़ आ गई थी, तो सर्विस तो करानी ही करानी थी। तो फिलहाल चले हैं अपने सर्विस सेंटर में और देखे हैं भाई के करेंगे तीसरी सर्विस में, के होगा और के सारा सोता है, कितने का खर्चा होगा, के चीज़ चेंज होगी। और उतरा मैं बात करूँ, उतरा तो मैंने मोटा मोटा बेरा है, पहली सर्विस में अपना जो इंजन ऑयल वगैरह सारी चीज़ चेंज हुई थी, दूसरी सर्विस में अपना जो इंजन ऑयल टॉपअप होया था और ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए थे और जो नट बोल्ट वगैरह चेन लुब्रिकेशन वो सब। तो पहली सर्विस जो हुई थी उसमें कितना खर्चा लग गया उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी चैनल पर, दूसरी सर्विस जो हुई थी उसमें कितना खर्चा लग गया उसकी भी वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है। और यह जो तीसरी सर्विस है तो इसमें मोटा मैं बताऊं, तीसरी सर्विस में भाई एक मेजर सर्विस कह सको तीसरी सर्विस में, इसमें अपना ऑयल भी चेंज होगा, अपना एयर फिल्टर भी चेंज होगा, अपना यहाँ पे इंजन ऑयल भी चेंज होगा, एयर फिल्टर भी चेंज होगा, ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, और ब्रेक पैड देखे जाएंगे, ब्रेक पैड ना घिस रहे होंगे, तो ब्रेक पैड का तो ऐसा हो भाई, ब्रेक पैड घिस रहे हो जिपे चेंज होया करे। तो मैंने देखे मेरी इसकी अभी तीसरी सर्विस में ब्रेक पैड चेंज कराने की तो जरूरत नहीं है, मेरे ब्रेक पैड और 2-3 हज़ार किलोमीटर चल जाएंगे, उसके पीछे मैंने ब्रेक पैड चेंज कराने की जरूरत है, पीछे वाले आगे वाले तो बिल्कुल कति मुँह समझ लो नए से हैं, क्योंकि पीछे के ब्रेक का मैं ज़्यादा यूज कराया करूँ और आगे का ब्रेक बहुत कम एमरजेंसी होने जिप पे यूज़ कराया करूँ, तो पीछे वाले डिस्क पैड थोड़े से 2-1 हज़ार चेंज कराने पड़ेंगे, आगे वाले तो बढ़िया चल रहे हैं नए हैं। तो ये सारी चीज़ होंगी मेरे ख्याल से, तो जितना मन बेरा और भाई जाके देखेंगे वे बताओगे, और वीडियो का ऐसा थंबनेल बेरा है ये सर्विस सेंटर आड़े बनाना देते, बट कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा लुकमा छुपमा जितनी भी बनाओगे था तक कोशिश करूंगा बना के दिखाऊं के चीज़ चेंज होगी के ना होगा सारी चीज़, ठीक है। तो भाई अपनी जो तीसरी सर्विस हो है ना वह कंप्लीट कति पूरी की पूरी सर्विस हो है, एक एक चीज़ सारी चीज़ हो ही, इसमें तेल पानी नट बोल्ट चैन वैन सारी चीज़ चेक करके। तो फिलहाल सबसे पहले के कर रहे हैं, ये नीचे का सब गार्ड हटा दिया, ये देखो इसका जो पुराना तेल है ना वो काट रहे हैं। तो अपनी जो तीसरी सर्विस है ना वह उसमें फ्री सर्विस तो है, चार सर्विस फ्री ही, तो तीसरी सर्विस कब हो है, या तो आपकी मोटरसाइकिल ने एक साल हो गया हो
बारहवें महीने में या फिर 10,000 किलोमीटर चाल गई हो, तो अपने तो दोनों हो गए थे भाई, अपनी मोटा मोटा 9,200-9,300 किलोमीटर चाल भी गई थी, और फरवरी 21, 2023 ने ली थी, और फरवरी 15 ने मैं इसकी तीसरी सर्विस कराना आ गया। तो फिलहाल देखो इसका ये जो पुराना तेल है ये लिकड़ रहा है, कितना काला तेल है, मतलब कति काला है, और इसमें इतनी सारी जो प्योरिटीज़ इम्प्योरिटीज़ ही वो जो भी में है वो है। तो फिलहाल ये तेल काट देंगे, पूरा टैंक साफ़ करेंगे, फिर इसमें नया तेल गालेंगे, और कितना के खर्चा आया तीसरी सर्विस में, के होया है के ना होया सब की मैं थार तो बताऊंगा, तो वीडियो ने आखिर तक देखियो, थार थमने भी बेरा पार जाएगा, तीसरी सर्विस होगी तो उसमें के होगा। तो फिलहाल तेल काट दिया है अपना, और फिलहाल ये पूरा मन बताइए ना कंप्लीट सर्विस होगी, एक एक चीज़ चेक करेंगे। तो इंजन का भी ऊपर खोल दिया है अपने, इंजन खोल के इसमें भी एक एक चीज़ एक एक सेटिंग इसकी चेक करेंगे, और फिर सारी टैपिंग वगैरह, ये देखो ये रबड़ सा है ना, यो इंजन के ऊपर का रबड़ भी यो भी काट दिया है, तो कंप्लीट पूरी बाइक खुल जाए है एक तरीके से, और दो सवा दो घंटा लागे ही कंप्लीट एक एक चीज़ चेक करके और सारी चीज़ ठीक करी जाए। तो इंजन का खोल दिया है, इसकी जो टैपिंग वगैरह है वो सारी करेंगे। उसके बाद भाई अपना आ जाए है, ये देखो एयर फिल्टर सर्विस किट जो होगी उसमें आता है, यो एयर फिल्टर काट दिया है, इसकी पूरी सफाई करेंगे, बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी इसमें, देखो यो है पुराना वाला एयर फिल्टर जो इसमें तक कटा है, कि देखने में वीडियो में तो हमने साफ दिख रहा होगा, बट इसमें जब हवा आ रहे हैं ना इसमें भाई बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी पाव है, बहुत घनी इसमें मिट्टी पाव है। तो अपनी दूसरी सर्विस में तो एयर फिल्टर अपना क्लीन हुआ था, या जो तीसरी सर्विस है इसमें पूरी सर्विस किट आओगी, उस सर्विस किट में एयर फिल्टर भी चेंज होगा, तो ये पुराना आला है इसमें फेंक देंगे, और नया आला अपना जो एयर फिल्टर है वो लग जाएगा। क्या क्या इसमें एयर फिल्टर, फिल्टर ये जो रबड़ सा है और ये ओरिंग किट है, कौन सी किट, ओरिंग किट, ये कहाँ लगेगी, ये सर जो जो पार्ट खुले है ना हाँ उसमें लगती है, एक एयर फिल्टर की कैप में लगती है, एक इसमें लगती है, और अच्छा ये तो वो नीचे ऑयल वाला है ना, ये देखना भाई पिछली बार लीक कर रहा था। तो भाई यह थी अपनी पूरी सर्विस किट, इब देख लो जो अपना सर्विस किट में नया एयर फिल्टर ऐसा हुआ है, जो नया एयर फिल्टर लगा दिया, जो अपनी पूरी सर्विस किट है ना वो थमने भी सुनी होगी, उसमें अपना एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर और जो जो पार्ट खुले हैं उन पार्ट का जो रबड़ का पार्ट है ताकि वे अच्छे से बंद हो जाए, तो वो सारा सिस्टम है, इसका टैपिंग भी करेगा और सारा है। तो यह पूरी की पूरी सर्विस किट है जो 1050 की है। तो फिलहाल एयर फिल्टर लगा रहा है, फिर परली तरफ ने इसका ऑयल फिल्टर लगेगा, और फिर इसकी चेन का भी चेन चेक करेगा, चेन ढीली है उसने टाइट करेगा जो भी है इसकी, फिर चेन लुब्रिकेंट होगा, सारी चीज़ ओके, अपनी बाइक हो जाएगी रेडी। तो फिलहाल ये सर्विस किट लग जाएगी, फिर इसने सारे नट बोल्ट वगैरह टाइट हो जाएंगे। Hours later. तो भाई फिलहाल 1.5-2 घंटे हो गए, अपनी बाइक की जो सर्विस है कंप्लीट हो गई है, अब खाली वॉशिंग रह रही है, धूनी बाकी रह रही है, तो अब यह कंप्लीट हो गया है, इसने वॉशिंग खातर भेज देंगे और फिर वॉश होके अपनी बाइक आ जाएगी नई। तो भाई अपनी बाइक आ ली है वॉश होके, कती चमचमाती हुई कती नई, अब ये भाई लाग रहा है थोड़ी बहुत पॉलिश करेगा, पॉलिश करे अपा अच्छा गेट पास लेके बिल लेके अपा चल आंगा घर ने, और फिर घर ने चाल के बताऊं तीसरी सर्विस में कितना खर्चा लग गया और के काम होया है, ठीक है। तो भाई फिलहाल आ गया अपन घर ने, और यो है अपना जॉब कार्ड, थम देख ले उरा यो रे नाम अपने उरा गाड़ी की बाइक की डिटेल ये री सारी, और देखोगे तो 15 फरवरी 2024 में अपा ने करवाई थी। यो आ जा भाई अपना मेन काम, अपनी बाइक में के होया है, तो सबसे पहला तो देखोगे भाई इसमें यह है क्लच केबल असेंबली, तो जो अपनी बाइक की जो क्लच है ना वह काफ़ी टाइट हो रही थी, तो इन्हें सजेस्ट करी थी 200 रुपये लागने थे कि भाई अपनी क्लच चेंज करा लो, ना तो फिर हो सके क्लच प्लेट पर दिक्कत आवे क्लच टूट जाए, तो फिर 200 रुपये मन पूछी मैं भाई कितने रुपये लागेंगे, तो 200 रुपये की थी, मैं को कोई बड़ा अमाउंट तो है ना, मैं को करा ले अपने दिक्कत ना रहेगी। तो भाई उराने देखोगे तो ये देखो 220 रुपये की अपनी लागी क्लच प्लेट। दूसरी चीज़ अपनी की हुई है, अपनी जो चेन थी बाइक की चेन वह टाइट हुई, उसका लुब्रिकेंट हुई, उसकी क्लीनिंग हुई, तो उसके भाई लागे अपने फिर 200 रुपये। और तीसरी चीज़ भाई यो की है लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक, इब यो है भाई कितने का है, यो है 663 रुपये का। अच्छा यो तेल है जो अपना इंजन ऑयल चेंज होया है ना, जो पुराना तेल काट दिया था और फिर नया तेल 1 लीटर 300 ग्राम 1 लीटर 300 ml इतना कुछ 1.4 लीटर इतना की में डला है,
उसके पास है चौथी चीज है भाई अपनी सर्विस किट, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो 10,000 किलोमीटर पे हुई है अपनी और यह पड़ी है अपन है 1,050 रुपए की। तो जो सर्विस किट था तो दिखाई थी ना पूरा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, उसके जो टैपिंग हुई है और उसके जो रबड़ वबड़ है, जो अपना इंजन ऑयल का लॉक था, वो सारी चीज़। तो कुल मिला के ये चार चीज़ हुई ही और बाकी जो है अपना नट बोल्ट इसके सारे टाइट हो गए, अपनी इसकी क्लीनिंग होगी, अपना वॉशिंग हो गया, मेन अपने इन चार चीज़ जाके पैसे लागे हैं। और उड़ान आप देख सको लिख रहा है इसमें थर्ड फ्री सर्विस जो कि 12 महीने या 10,000 किलोमीटर पर होगी। अगर थंबनेल उड़े दिखाऊँ तो ऊपर थंबनेल दिख भी जाएगा, देखो ओडोमीटर रीडिंग कितनी है अपनी 9,297, मैं वही कह रहे थे ना, मतलब 9,200-300 पे अपनी होगी थी। तो और कुल बिल भाई अपना बैठा है, यो है अपना कुल बिल जितना हमने दिया है 2,133, ठीक से। तो भाई यह थी अपनी बुलेट क्लासिक 350 की तीसरी सर्विस और इब्ताई एक्सपीरियंस ओवरऑल बढ़िया है गाड़ी में आज तक भी। फिलहाल शुरू में छोटी मोटी छोटा मोटा दिक्कत आई थी, फिलहाल अपनी बाइक में एक सेकंड की भी दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है, मक्खन चल रही है, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आई, सर्विस एक्सपीरियंस अपना बढ़िया था। बाकी सारी जर्नी मैंने अपने इस चैनल पर शेयर कर रखी, पहली सर्विस, दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस की याद डाल लूंगा और कितनी एवरेज दे है, इसका माइलेज टेस्ट, इसमें के दिक्कत थी, के बढ़िया बात थी, सबकी भी मैंने शेयर कर रखा है। तो पुरानी वीडियो जाके थम देख सको, मैंने थमनू बताओ इब अपनी होगी है, इब इसका जो तीसरी सर्विस पाच है इसकी माइलेज बढ़ी घटी, इसके ऊपर वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं उसके ऊपर कमेंट करके बताओ, बनानी है तो उसके ऊपर भी बना देंगे। और नू चैनल ने प्यार देते रहियो, वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो आगे की अपडेट ताई, और मिले अगली वीडियो में जब ताई। जय बाबा की, राम राम।